अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो कि हमारा एसईओ कोर्स फॉर वेबसाइट चल रहा है, जो कि अपडेटेड एंड लेटेस्ट है 2022 और 23 के लिए। उसमें लेसन नंबर 2, इससे पहले हम लेसन नंबर 1 डिस्कस कर चुके हैं। आप यूट्यूब चैनल जीशी स्टडी पोर्टल पर इसकी वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 2 में जो हमारा एजेंडा है उसको देख लेते हैं कि आज लेसन नंबर 2 के डिस्कशन पॉइंट्स कौन से होंगे। सो टुडे डिस्कशन पॉइंट्स आर एसईओ इंपॉर्टेंस, व्हाई एसईओ इज इंपॉर्टेंट, ये देखेंगे। डिस्कस थ्रू एग्जांपल, इसको हम एग्जांपल के थ्रू देख रहे होंगे कि एसईओ फॉर वेबसाइट क्यों इंपॉर्टेंट है आपके ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स के लिए, एसईओ क्यों होनी चाहिए। सर्च एनालिसिस देखेंगे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे, पेड एंड ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के लिए ब्लॉग के लिए वो देखेंगे। इसमें जो हम सोर्स के तौर पर यूज़ करेंगे वो मोज एंड हबस्पॉट एकेडमी के आर्टिकल हैं, या उनके नोट्स भी कह सकते हैं, उनका यूज़ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट, Why SEO is so important for your businesses and websites? उनमें बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाता है पेड एडवर्टाइजमेंट का एंड ऑर्गेनिक ट्रैफिक का। अब हम इसमें देखेंगे पेड एडवर्टाइजमेंट आप कैसे करते हैं एंड ऑर्गेनिक ट्रैफिक आप कैसे लाते हैं। सो पेड एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट, व्हाइल पेड एडवर्टाइजिंग सोशल मीडिया एंड अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स कैन जनरेट द ट्रैफिक टू वेबसाइट्स, द मेजोरिटी ऑफ ऑनलाइन ट्रैफिक इज ड्राइवन बाय सर्च इंजन। अच्छा, अब ये पेड एडवर्टाइजमेंट कैसे होती है? आपने ये बात सुनी होगी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, लाइक्स, कॉमेंट्स, व्यूज खरीद कर देते हैं। आपका चैनल हो, आपकी वेबसाइट हो, वेबसाइट हो आपकी वेबसाइट वो विजिटर लेके आते हैं, ठीक है, वो आपके आर्टिकल्स को, ब्लॉग्स को क्लिक करते हैं, ठीक है, इससे आपका इम्प्रेशन बढ़ जाता है। लेकिन ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है, एसईओ पर इसका गलत इम्पैक्ट पड़ता है, ये एसईओ को अफेक्ट करता है आपके। पेड एडवर्टाइजमेंट, जैसे पेड एडवर्टाइजमेंट यार 300 रुपये में 1000 फॉलोअर मिल जाते हैं इंस्टाग्राम के, ये पेड एडवर्टाइजमेंट ही है। तो जो आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, वो पैसे लेते हैं आपसे और आपके पैसे से वो आगे जो आप लोगों को सब्सक्राइब या फॉलो करते हैं उनका उनको कमीशन देते हैं और खुद भी पैसे कमाते हैं और दूसरे को भी पैसे कमाने देते हैं। आपकी ऐसे एडवर्टाइजमेंट हो जाती है वेबसाइट की, चैनल की, या किसी भी चीज़ की। लेकिन एसईओ में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं, एसईओ कहता है मैं भाई नहीं मानता इसको, मैं मानता हूँ ऑर्गेनिक ट्रैफिक। सो व्हाट इज ऑर्गेनिक ट्रैफिक? ऑर्गेनिक ट्रैफिक ये होती है कि आप अपना एक ब्लॉग, आर्टिकल या वेबसाइट के वेब पेजेस का कोई भी पेज लिखें, कोई भी पेज हो, उसकी अच्छे से एसईओ करें, उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज करें, टाइटल्स, डिस्क्रिप्शंस, लिंक्स, बैक लिंक्स, डू फॉलो लिंक्स, नो फॉलो लिंक्स, ये अच्छे से बनाएं, क्योंकि ये हम पढ़ेंगे आगे वाले लेसन में, और फिर उसको पब्लिश करें। अब कोई भी शख्स गूगल पे आए, सर्च करे और आपका ब्लॉग पहले नंबर पे जाए, पहले पेज पे आए गूगल के, वो उस पर क्लिक करे और आपके पेज को रीड करे, ये क्या कहलाता है? ये ऑर्गेनिक तरीका है, ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक है आपकी वेबसाइट पे। आपने प्रमोशन या एडवर्टाइजमेंट नहीं करवाई, बंदा खुद चल के आपकी वेबसाइट पे आया है, ठीक है, उसको जिस चीज़ की तलाश थी वो उसको आप मिल गई है आपकी वेबसाइट से, ये क्या है? ऑर्गेनिक ट्रैफिक। सो ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स कवर मोर डिजिटल रियल एस्टेट, ये रियल है, ये फेक होती है, ये बोर्ड से करवाते हैं, बोर्ड के बोर्ड्स होते हैं जो विजिट करते हैं आपकी वेबसाइट्स को आके, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि नुकसान ही पहुँचता है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक के बहुत सारे फ़ायदे हैं, ऑर्गेनिक रियल लोग आते हैं आपकी वेबसाइट पे, विजिट करते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एसईओ पर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पर। अपेयर मोर क्रेडिबल टू सेवी सर्चर्स एंड रिसीव वे मोर क्लिक्स देन पेड एडवर्टाइजमेंट, पेड एडवर्टाइजमेंट से ज़्यादा क्लिक मिलते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक पे।
फॉर एग्जाम्पल ऑफ ऑल सर्चिज, सब सर्चिज में जो यूएस में हुई है, यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका में, ओनली 2.8% ऑफ पीपल क्लिक ऑन पेड एडवर्टाइजमेंट, 2.8% लोग सिर्फ पेड एडवर्टाइजमेंट की तरफ जाते हैं या पेड एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करते हैं, बाकी 97.2% ऑर्गेनिक ट्रैफिक आती है यूएस में वेबसाइट्स पर। ठीक है, तो ये तरीका है, ये है मौज उनकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक की। पेड एडवर्टाइजमेंट वो नहीं करते, लेकिन कुछ 2.8% लोग कर रहे हैं, 97.2% लोग नहीं करते, उनपे ऑर्गेनिक ट्रैफिक की आती है। सो पेड एडवर्टाइजमेंट एंड ऑर्गेनिक ट्रैफिक का कॉन्सेप्ट आपको सर्च इंजन्स में समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, Why SEO is important for your businesses and websites. SEO is also one of the only online marketing channel that when set up correctly can continue to pay dividend over time. इस बात को समझते हैं, SEO भी एक marketing channel है online. अगर तो आपने इसको सही से setup कर लिया, सही से manage कर लिया, तो ये आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगा, आपको पे करेगा। किस तरह से? अब काफ़ी अच्छी वेबसाइट्स हैं कुछ दुनिया में, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से SEO की होती है, उनके वेबसाइट्स के ऑडिट होते रहते हैं, तो एडसेंस के लिए वो अप्लाई करते हैं, जो कि गूगल का एक प्लेटफॉर्म है जो एड्स रन करता है आपकी वेबसाइट्स पे। गूगल उसको अप्रूव करता है, क्यों? जो यार इतनी अच्छी SEO की होगी, जिसने ऑप्टिमाइज किया होगा अपनी वेबसाइट को, गूगल तो भाग के पकड़ेगा, भाई ये काम का बंदा है। ठीक है, क्योंकि गूगल ने तो सारी सी बात है इंडेक्सिंग करनी होती है, क्रॉलिंग करनी होती है, ताकि जो लोग सर्च कर रहे हैं गूगल उसको निकाल के दिखाए। ठीक है, अगर तो उनको आपकी वेबसाइट पसंद आ गई, भाई दिखाएगा वो आगे, सबसे पहले पहले पेज पे लेके आएगा, आपको रैंक करवा देगा आपकी वेबसाइट को। यही है, इसलिए SEO क्यों इम्पोर्टेंट है, SEO इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी वेबसाइट को अच्छे से ऑप्टिमाइज करें SEO के दायरे के अंदर रहकर, ताकि गूगल आपको सर्च इंजन पर टॉप पर दिखा सके। इफ़ यू प्रोवाइड अ सॉलिड पीस ऑफ कंटेंट दैट डिजर्व टू रैंक फॉर द राइट कीवर्ड्स, अगर आपका कोई कंटेंट है, कोई ब्लॉग आर्टिकल है, उसमें आपने राइट कीवर्ड यूज़ किया है, कीवर्ड क्या होता है, जो आपका मेन पॉइंट होता है उस आर्टिकल का, आपकी स्टोरी का, आपके वेब पेज का, जिस पर आपने वो पूरा कंटेंट लिखा होता है, वो होता है राइट कीवर्ड। नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह मैं आपको कीवर्ड जनरेट करना सिखाऊंगा कि किस तरह से कीवर्ड आप अच्छे कीवर्ड तलाश कर सकते हैं कि आपकी पोस्ट रैंक करे। इसने यहाँ पे बात की, अगर आप एक सॉलिड पीस ऑफ कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो रैंक करने डिजर्व करता है, वो पेज रैंक करना डिजर्व करता है अगर आपने राइट कीवर्ड पे बनाया हुआ है। Your traffic can snowball over time. तो फिर आप पर ट्रैफिक आती रहेगी, आपके पेज पर विजिटर्स आते रहेंगे। Whereas advertising needs continuous funding to send traffic to your site. जबकि पेड एडवर्टाइजमेंट पर आप पैसे ही देते रहेंगे और फिर ट्रैफिक लेते रहेंगे, ऑर्गेनिक नहीं आएगी, इसलिए SEO इम्पोर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए। सर्च इंजन्स आर गेटिंग स्मार्टर बट दे स्टिल नीड अवर हेल्प, सर्च इंजन भी हमारी मदद करते हैं, लेकिन उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत भी होती है, क्यों? हम SEO अच्छी कर देंगे, हम उनकी मदद ही कर रहे हैं, एक उनको आसानी से इतना प्रॉपर के SEO सेटअप करके दे रहे होते हैं अपनी पोस्ट पे कि उनको भी खुशी होती है, हाँ भाई इस बंदे ने सही काम किया है, ये डिज़र्व है रैंकिंग के लिए, इसको टॉप पे ले जाओ। ठीक है, तो उन्हें भी कोई ना कोई मदद की ज़रूरत होती है, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। Optimizing your site will help deliver better information to search engine so that your content can be properly indexed and displayed within search results. आपकी वेबसाइट को जब ऑप्टिमाइज करेंगे आप, तो will help deliver better information. आप better information use करेंगे तो भाई Google जो है, जो आपका सर्च इंजन है, आपकी इंफॉर्मेशन को इंडेक्स करेगा और सर्च रिजल्ट्स में लाकर डिस्प्ले कर देगा, रैंक पर ले आएगा। तो ये होती है SEO की इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट हम मूव करते हैं,
एसईओ एग्जांपल की तरफ, के एसईओ के एग्जांपल को किस तरह से समझा जा सकता है। इसके लिए हम मोज एकेडमी की स्लाइड्स का यूज़ करेंगे, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि एसईओ को किस तरह से समझा जा सकता है, ये सब चीज़ें आपस में किस तरह से कनेक्ट होती हैं। वहाँ पर हम हाउस, सिटी, टाउन एंड शॉपिंग मॉल की एग्जाम्पल को देख रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं एसईओ की एग्जाम्पल की तरफ, क्योंकि हमने बात की थी अपने आज के टुडे डिस्कशन पॉइंट्स में, हम देखेंगे व्हाई एसईओ इज सो इम्पोर्टेंट, फिर हमने इसमें पेड एडवर्टाइजमेंट और उसको भी देख लिया, ऑर्गेनिक ट्रैफिक को भी देख लिया, दो टॉपिक हमारे हो गए। नेक्स्ट हम सर्च एनालिसिस को अब देखेंगे एग्जाम्पल से पहले, फिर इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स को हम एग्जाम्पल में ही देख लेंगे, और फिर मैंने कहा था कि एसईओ को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, वो तो समझेंगे ही नेक्स्ट, ठीक है। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एनालिसिस की तरफ, देन एग्जाम्पल की तरफ। तो आपको सर्च एनालिसिस की स्क्रीन शो हो गई होगी। द मेजॉरिटी ऑफ ऑनलाइन एक्सपीरियंसेस इन्वॉल्व सर्च। ऑनलाइन एक्सपीरियंसेस की जो मेजॉरिटी है उसमें सर्च शामिल है। अब कितने परसेंट सर्च होती है ऑर्गेनिक ट्रैफिक पर, पेड पर, या कहाँ से सर्च ज़्यादा होती है, ये इसमें एक एनालिसिस को हम देख रहे होंगे। वो कहता है 68% ऑफ ऑनलाइन एक्सपीरियंसेस बिगन विद अ सर्च इंजन। आप कोई ऑनलाइन काम करते हैं, आपका एक ऑनलाइन स्टोर है, बुक स्टोर है, तो आप जो मैं हूँ, मैं गूगल पर आऊँगा, मैं एक बुक सर्च करूँगा, तो अब ये 68% वो है जो मैं सर्च कर रहा हूँ। कहता है 68% ऑनलाइन एक्सपीरियंसेस बिगन विद अ सर्च इंजन। मैं गूगल पे आता हूँ, फेसबुक पे आता हूँ, बिंग पे आता हूँ, याहू यूज़ कर रहा हूँ, तो 68% लोग जो है वो ऑनलाइन एक्सपीरियंसेस में सर्च इंजन से एंटर हो रहे होते हैं। नेक्स्ट 53%, ऑफ ऑल वेबसाइट ट्रैफिक कम्स फ्रॉम ऑर्गेनिक सर्च। भाई पेड एडवर्टाइजमेंट से नहीं, 53% यानी मेजॉरिटी है पेड एडवर्टाइजमेंट से, के लोग खुद आते हैं आपके कंटेंट को सर्च करते हैं और उस कंटेंट तक रसाई हासिल करते हैं। आप एडवर्टाइजमेंट या प्रोमोशन से 47% तक कर सकते होंगे, ठीक है, लेकिन 53% ट्रैफिक ऑर्गेनिक सर्च से आती है। ये एक ऑनलाइन एक्सपीरियंस शो करवाया जा रहा है सर्च एनालिसिस के थ्रू। फिर नेक्स्ट वन इज 93% ऑफ ग्लोबल ट्रैफिक कम्स फ्रॉम गूगल सर्च। याहू या बिंग से नहीं आ रही, 93% सर्चेस गूगल से आती हैं, गूगल इमेजेस से आती हैं एंड गूगल मैप से आती हैं। फॉर एग्जांपल आप एक रेस्टोरेंट में काम करते हैं, बल्कि नहीं, आपका एक रेस्टोरेंट है, आपने गूगल पे उसकी लोकेशन दी हुई है, मैप में एडजस्ट की हुई है, आप अपने घर की भी कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी मुश्किल है ये करना। अच्छा छोड़ें, आपका रेस्टोरेंट है, आपने उसकी लोकेशन गूगल में एडजस्ट की हुई है, आपने अपने रेस्टोरेंट की जो रेसिपीज़ हैं उसकी इमेजेस भी आपने गूगल में रखी हुई हैं। अब मैं आता हूँ, मैं गूगल पर सर्च करता हूँ, कोई भी चीज़ सर्च कर लेता हूँ, बर्गर, शवरमा, जो मुझे चाहिए, आपके पास वो ऑफर मौजूद है, सर्विसेज मौजूद हैं, तो अगर तो आपकी वेबसाइट की एसईओ बहुत अच्छी हुई है, तो वो भाई आपकी वेबसाइट को रैंक करवाएगा, शो करवाएगा कि हाँ भाई ये वाली प्रोडक्ट इस रेस्टोरेंट पर मिलती है। अब मुझे आपके रेस्टोरेंट का नहीं पता, मैं क्या करूँगा भाई, मैं सीधा डायरेक्ट गूगल मैप पे जाऊँगा या गूगल पे जाऊँगा, सर्च करूँगा, गूगल मैप से देखूँगा, फिर मुझे सर्च जब मैं कर लूँगा फिर मुझे आपका रेस्टोरेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 93% सर्चेस इस तरह से होती हैं, गूगल पर होती हैं, गूगल इमेजेस से, गूगल मैप से। अच्छा जी, अब हम जाते हैं अपनी एग्जांपल की तरफ कि एसईओ की एग्जांपल किस तरह से है। इसमें आपने देख लिया, हमारे आज के 3 पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं, और अब इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स एंड एग्जांपल, 2 पॉइंट्स रह गए हैं, वो हम इसी एग्जांपल में देखेंगे। वो कहता है थिंक ऑफ द इंटरनेट लाइक अ सिटी। इंटरनेट को एक शहर की तरह समझें, सोचें, ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये सब एक इंटरनेट है।
इसी की हम बेस बनाते हुए इसी अपने टॉपिक एग्जांपल को समझ लेंगे। ओके, द थिंक ऑफ द इंटरनेट लाइक अ सिटी, इंटरनेट को अपने शहर की तरह सोचें या समझें। फिर क्या करें, फिर वो कहते हैं कि इन अ टाउन देयर आर हाउसेस। अब हाउसेस देखा ना मैंने वहां पे, अभी जो हम ब्लू स्लाइड देख रहे थे वहां पे जब मैंने कहा था कि एसईओ की एग्जांपल अब हम डिस्कस करेंगे, वहां पे हाउसेस का भी जिक्र हुआ, टाउन का भी जिक्र हुआ, फिर हम इसमें शॉपिंग मॉल को भी देखेंगे और रूम्स को भी देख रहे होंगे। अभी यहाँ पे टाउन का भी जिक्र हो गया, हाउसेस का भी हो गया कि एक टाउन में देर आर हाउसेस, घर होते हैं काफी सारे, डेट वी कैन थिंक ऑफ एज वेबसाइट्स, जिनको हम वेबसाइट्स का नाम देंगे। एग्जाम्पल को समझने के लिए, टाउन आपका क्या है इस वक्त, एक इंटरनेट है, और हाउसेस जो उसमें है, आप भी किसी कॉलोनी में रहते होंगे, टाउन में रहते होंगे ना, वहां पे घर होते हैं ना, आपका घर है, आपका घर एक वेबसाइट है। अब उस वेबसाइट में ईच रूम इनसाइड द हाउस, अब आपके घर में कमरे भी तो हैं, वॉशरूम भी हैं, किचन भी होगा, ड्राइंग रूम भी होगा, सो वो क्या है, वो वेबसाइट के वेब पेजेस हैं, वो भी आपके घर का एक हिस्सा है ना। आपका एक घर है, उसमें अब जो रूम्स हैं, किचन है, ड्राइंग रूम है, वॉशरूम है, गैलरी है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये वेब पेजेस हैं। इसी तरह से वेबसाइट में भी वेब पेजेस होते हैं, अबाउट अस के नाम से कॉन्टैक्ट पेज होता है, आवर मिशन, आवर विजन, इस तरह के भी होते हैं, होम पेज होता है, वो सब बारे वेब पेजेस होते हैं वेबसाइट के। इसी तरह से क्योंकि हम घर की मिसाल ले रहे हैं तो हम इसको यहीं से ये ऐसे लेके चलते हैं। ईच रूम इन साइड द हाउस, हर कमरा घर के अंदर, इज लाइक अ डिफरेंट वेब पेज, मैंने बताया आपको ये वेब पेज होते हैं ऑन दैट साइट, उस वेबसाइट पर। एंड द हॉलवेज, रास्ते गुजरने के, एंड स्टेयर्स, स्टेयर्स सीढ़ियां हो गई, ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप कनेक्टिंग द डिफरेंट रूम्स, एक रूम को दूसरे रूम से कनेक्ट कर रहे होते हैं, आर कॉल्ड इंटरनल लिंक्स। समझ आ गई अब इंटरनल लिंक की, तो वो इंटरनल लिंक जिसकी हमने बात करनी थी वो यही है, क्योंकि देखें आपका एक रूम आपका पर्सनल रूम है, एक आपका पर्सनल रूम है, एक आपके भाई का पर्सनल रूम है। अब आपने अपने रूम से अपने भाई के रूम तक जाना है तो आपको डिस्टेंस कुछ तय करना पड़ेगा, कोई रास्ता तय करना पड़ेगा, चलकर जाना पड़ेगा, अगर वो अपर फ्लोर पे है तो सीढ़ियों की मदद से आपको ऊपर जाना पड़ेगा। ये क्या है, ये डिस्टेंस क्या है, ये लिंक है, कनेक्ट है आपस में, इसको कहते हैं इंटरनल लिंक। इंटरनल क्यों, ये अंदरूनी है, घर के अंदर है, घर के बाहर तो नहीं है, घर के बाहर वाली चीज़ों को भी देखेंगे हम एज एक्सटर्नल, ये घर के अंदर है, एक रूम से दूसरे रूम तक जाना है, ये इंटरनल लिंक है आपस में, बिटवीन द साइड पेजेस, वो भी यही कह रहा है। अब वेबसाइट में आपने देखा होगा जब आप एक पेज ओपन करते हैं, लाइक अबाउट अस का पेज, अबाउट अस क्या होता है, वेबसाइट की अबाउट का सब डाटा, आप क्या करने जा रहे हैं फ्यूचर में, आप क्या कर रहे हैं, आपका क्या मिशन है, आपका क्या विजन है, वो सब उस पेज में होता है। अच्छा, अब आवर मिशन के नाम से आपने एक और पेज बनाया हुआ है अपनी वेबसाइट में, लेकिन अबाउट अस में वो क्यों दिख रहा है, अब आपने उस तक जाना है, आप क्या करेंगे, वहां पे एक बटन शो हो रहा होता है या लिंक शो हो रहा होगा, आवर विजन या आवर मिशन, ठीक है। अब वो क्या है, आप जब उस पर क्लिक करेंगे वो एक लिंक है, वो एक इंटरनल लिंक है जिसपे आप क्लिक करके आवर मिशन या आवर विजन के पेज पे जा सकते हैं, ठीक है, ये है इंटरनल लिंक्स। नेक्स्ट, ऑन ईच स्ट्रीट इन टाउन यू हैव डिफरेंट हाउसेस रिप्रेजेंटिंग लॉट्स ऑफ डिफरेंट वेबसाइट्स। अब एक टाउन में, ठीक है, गलियां हैं, मोहल्ले हैं, वहां पे सिर्फ आपका घर नहीं है, और भी घर हैं, डिफरेंट हाउसेस। इसी तरह से अगर हम इंटरनेट को एज अ सिटी रिप्रेजेंट करें तो सिटी में एक वेबसाइट नहीं है, काफी सारी वेबसाइट्स हैं। ये बात वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि मोहल्ले में और भी घर हैं, उनका क्या नाम है, वो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, और वेबसाइट्स हैं। फिर वो कहता है एज मोर एंड मोर हाउसेज आर बिल्ड, जैसे जैसे ज्यादा घर तामीर होते जाएंगे या जा रहे हैं, इसी तरह से अब वेबसाइट भी तो दो तीन तो नहीं है, वेबसाइट भी बढ़ती जा रही हैं, इस तरह से आपका इंटरनेट भी ग्रो कर रहा है, इंटरनेट कंटिन्यू टू ग्रो, ठीक है।
जितनी ज़्यादा वेबसाइट बनती जा रही हैं, इंटरनेट भी ग्रो करता जा रहा है. द टाउन एक्सपेंड्स टू बिकम अ सिटी. अब पहले वो एक छोटा सा टाउन था, जिसमें ज़्यादा ज़्यादा आबादी बढ़ती गई, घर बनते गए बनते गए बनते गए, वो शहर में तब्दील हो गया. इसी तरह से एक वेबसाइट थी, वेबसाइट बनती गई बनती गई बनती गई, वो एज अ इंटरनेट ग्लोबली काम करने लग गया, जिसका नाम गूगल, आप कह सकते हैं गूगल सर्च. ठीक है, तो ये सारी गेम है, ये हाउसेज हैं, ये 1 2 3 हाउस, और ये आपका जब घर बढ़ते गए टाउन था, ये आके सिटी बन गया, ये भी टाउन था सिटी, टाउन सिटी. नेक्स्ट, कनेक्टिंग दीज हाउसेज आर रोड्स. अब आप एक घर से दूसरे घर तक जाते हैं, दूसरे से तीसरे घर जब जाते हैं, या अपने घर से मार्केट तक जाते हैं, किसके थ्रू जाते हैं भाई? रास्ते हैं, रोड्स बने हुए हैं, कारपेट रोड बने हैं, जो भी बने हैं, टफ टाइल लगी है तो रास्ता ही ना, चलकर ही जाना है, बाइक पे जाना है, कार पे जाएं, रास्ता है वो, डिस्टेंस है जो आपको तय करना है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. दैट आर कॉल्ड एक्सटर्नल लिंक. आ गया भाई एक्सटर्नल लिंक भी. एक्सटर्नल का क्या मतलब होगा? बैरूनी रास्ते, बैरूनी लिंक्स, बाहर वाले. अब ये घर के अंदर नहीं है, अब ये घर के अंदर नहीं है, अब आप अपने नेबर्स में जाते हैं एक घर से दूसरे घर तक, तो ये आप बाहर जा, घर के बाहर से मूव कर रहे हैं, अंदर से डायरेक्ट कोई नीचे से सुरंग निकाल के ही दूसरे घर में जा रहे. आप अपना गेट ओपन करते हैं बाहर, थोड़ा सा डिस्टेंस तय करते हैं, दूसरे नेबर के घर जाते हैं. ये क्या है? लिंक है, आपका घर उसके घर तक लिंक है, कनेक्ट है, जो कहलाता है एक्सटर्नल लिंक्स. द रोड्स कनेक्ट डिफरेंट बिल्डिंग्स एंड नेबरहुड्स टुगेदर. इस तरह से रोड जो है वो डिफरेंट बिल्डिंग्स को एक दूसरे से जोड़ते हैं और आपको अपने हमसायों के घरों के साथ जोड़े रखते हैं. ठीक है, ये होता है एक्सटर्नल लिंक्स. घर के अंदर एक रूम से दूसरा रूम, इंटरनल लिंक्स. घर के बाहर एक घर से दूसरा घर, एक्सटर्नल लिंक्स. सो अब एक बड़ी वेबसाइट होगी जो एक ब्रांड वेबसाइट है, वो क्या कहलाती है? वो एक शॉपिंग मॉल की तरह होती है. विच लॉट ऑफ रोड एंड मे बी इवन अ हाईवे लीडिंग टू इट. उसको एक हाईवे लीड कर रही होती है, या और भी छोटे छोटे रास्ते लीड कर रहे होते हैं, जैसे ये एरो है, ये एरो है, ये एरो है, ये है, लेकिन ये वाला जो डबल एरो शो है, ये एक हाईवे को शो करवा रहा है. आपने भी शॉपिंग मॉल देखे होंगे जिनको एक मेन रोड लग रहा होता है, ये मेन हाईवे लग रही होती है. सो मैं मुल्तान से हूँ, तो चेजब नाम भी सुना होगा आपने. चेजब शॉपिंग मॉल है, या मॉल ऑफ मुल्तान कह लें. अब उसको एक मेन रोड लग रहा है, बोसन रोड. ठीक है, वो ऐसा है, यहाँ पे हाईवे भी काम करता है. अब क्या चेजब में जाने का सिर्फ वही एक रास्ता है, या मॉल ऑफ मुल्तान में जाने का सिर्फ वही एक रास्ता है? कि आप इधर से भी घुस जाओ, इधर से भी घुस जाओ, शॉपिंग मॉल के काफी सारे गेट्स होते हैं, काफी सारे रास्ते होते हैं. नॉट ओनली इट इज ईजी टू फाइंड, देयर आर सेवरल डिफरेंट वेज टू गेट देयर. एक ही वे नहीं होता, और भी वे होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है के अब अगर आपको एक घर का पता है, उसका एड्रेस आपको, बिल्डिंग का पता है, अब आप क्या करते हैं? अपनी कार निकालते हैं और उस घर तक चले जाते हैं, जहाँ तक आपकी मंजिल मकसूद है, जहाँ तक आपने, जिस मंजिल तक आपने पहुँचना है. अब आप एक जगह से दूसरी जगह मूव किए, लिंक ही है, कनेक्ट हुआ है, जिसे बोलते हैं यूआरएल. यूआरएल क्या होता है? यूआरएल क्या होता है भाई? यूआरएल वेबसाइट का लिंक होता है, या एक एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट में मूव करने के लिए लिंक होता है. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसे बोलते हैं. ठीक है, यूआरएल, आप इसे लिंक भी बोल सकते हैं. ठीक है, जैसे मेरी वेबसाइट है, हम लिखते हैं https zsbnotes.com, ये डोमेन भी है. ठीक है, एंड यूआरएल भी है, एज अ लिंक भी काम करता है. सो अगर आपको किसी बिल्डिंग का रास्ता मौजूद है, तो आप उस पर वहां तक पहुंच सकते हैं एक यूआरएल की मदद से, एक लिंक की मदद से. अब आप अपने घर से मस्जिद जाते हैं नमाज पढ़ने, रास्ता तो आता है, मस्जिद का रास्ता किसको नहीं आता भाई? ठीक है, तो आप क्या तय करते हैं? एक रास्ता तय होता है भाई, इस गली से जाना है, इस तरफ मुड़ना है, फिर इस तरफ जाना है. ये क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी जो आपको लोकेशन दे रहा है कि इस जगह से इस जगह जाना है, आपको एक लिंक दे रहा होता है.
इसी तरह से अगर आपको किसी बिल्डिंग का रास्ता नहीं पता तो आप क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने, अब मैं मुल्तान का हूँ, मैं लाहौर गया, लेकिन मुझे नहीं पता मीनारे पाकिस्तान कहाँ है, तो मैं क्या करूँगा ना, मैं किसी से पूछ सकता हूँ, कह लें रात का वक्त है, मैं अकेला गाड़ी में हूँ लेकिन मुझे नहीं पता मीनारे पाकिस्तान किधर है, मीनारे पाकिस्तान या कोई आप रेस्टोरेंट में या होटल में ठहर रहे हैं, आपको उसका रास्ता नहीं पता, आप क्या करेंगे, जल्दी जल्दी गूगल मैप पे जाएंगे, गूगल पे जाएंगे, गूगल मैप ओपन करेंगे, आप अपनी लोकेशन बताएंगे उसे और आप कहेंगे कि मैंने इस डेस्टिनेशन तक जाना है, तो गूगल क्या करेगा, फाइंड करेगा, वो आपको लाइंस के थ्रू, सिग्नल्स के थ्रू बताएगा, भाई ये रास्ता है, यहाँ से मूव करके आप यहाँ तक पहुँच सकते हो, वो वाली येलो और रेड लाइंस आप देख लेना होती हैं, ठीक है, वो आपको लिंक प्रोवाइड कर रही होती हैं, रास्ता बता रही होती है, यहाँ से मूव करके आप यहाँ तक जा सकते हैं। सो अगर आपको बिल्डिंग का रास्ता नहीं पता, ठीक है, तो आप वहाँ से जो टाउन की डायरेक्टरी है, डायरेक्शन है, या येलो पेजेस को देखकर वहाँ तक जा सकते हैं। दिस इज काइंड ऑफ लाइक परफॉर्मिंग अ सर्च यूजिंग अ सर्च इंजन, आप गूगल पे जाकर भी सर्च कर लेते हैं या फिर आप गूगल मैप्स में भी सर्च कर सकते हैं। सो ये था हमारा आज का टॉपिक कि SEO क्यों इम्पोर्टेंट है। इसमें हमने अपने डिस्कशन पॉइंट्स को देखा कि SEO क्यों इम्पोर्टेंट है, पेड एंड ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स को हमने एग्जांपल में देख लिया, और हमने एग्जांपल को भी देख लिया, SEO के एग्जांपल को भी देख लिया कि SEO को समझ लिया कि इसको किस तरह से समझा जा सकता है। जो इसमें फर्दर पॉइंट्स होंगे, हमने इसमें सर्च एनालिसिस को भी देखा, उनको हम नेक्स्ट लेसन में देख रहे होंगे। सो आज की वीडियो यहीं तक थी, होप सो आपको समझ आ गई होगी, समझ आ गई है तो अगर आप हमें सपोर्ट दें और इसी चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, ठीक है, अगर आप इसको हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।